वृंदावन धाम यात्रा के इस पड़ाव में अब हम ब्रह्मंड घाट पहुंच चुके हैं, जो कि गोकुल में है। यानी अब हम गोकुल नगरी में आ चुके हैं, गोकुल नगरी के ब्रह्मंड घाट। अब हम देखेंगे उस घाट को, जिस घाट पर कान्हा जी ने बाल रूप में मिट्टी खाई थी। तब उनकी माता यशोदा ने कहा कि तुमने क्या खाया, तो उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं खाया। और जब ज़बरदस्ती उनका मुख खुलवाया गया, तो कान्हा जी के मुख में उनकी माता यशोदा ने संपूर्ण ब्रह्मांड देख लिया था। तो अब हम उस घाट पर चल रहे हैं जहां पर कान्हा जी ने बाल रूप में मिट्टी खाई थी और एक लीला करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड अपने मुख के अंदर दिखा दिया था। यह ब्रह्मांड घाट का प्रवेश द्वार, जो कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा द्वारा निर्मित है। यानी ये मथुरा का क्षेत्र है। सारे क्षेत्र को गोकुल धाम कहा जाता है और गोकुल धाम में यह है ब्रह्मांड घाट। हम इस वक्त गोकुल नगरी में हैं। गोकुल नगरी के प्रवेश पर ही सबसे पहले ब्रह्मांड घाट आता है, जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज ने बचपन में ही लीला रचते हुए बता दिया था कि वे ही त्रिलोकीनाथ हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनमें ही समाहित है। अब हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड घाट में। श्रद्धालुओं का यहाँ पर मेला लगा हुआ है। बहुत ही प्राचीन वृक्ष यहाँ पर लगे हुए बताए जाते हैं। काफ़ी गाइड श्रद्धालुओं को यहाँ की जानकारी देते रहते हैं। यह है यमुना नदी। यमुना यहाँ पर नदी नहीं कहा जाता, यमुना मैया ही कहा जाता है। वास्तव में है भी यमुना मैया, उस पर स्थित है ब्रह्मांड घाट। इसकी जानकारी इस वक्त गाइड भी दे रहे हैं। कालिंद्री माता, क्या बोलते हैं? कालिंद्री माता। यहाँ कालिया नाग रहता था। कालिया नाग का दमन किया वृंदावन में भगवान ने। कालिया नाग की पूछ गोकुल में, पेट मथुरा में, मुख कहाँ था? वृंदावन। सात पनका नाग कालिया नाग कालिंद्री माता के अंदर रहता था। ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया, जमुना तेरा कोई भी पशु पक्षी नर नारी जीव जंतु पानी पिएगा, वो सब मृत्यु लोक को जाएगा। तेरा पानी जहरीला हो जाएगा, तेरा पानी के अंदर में कालिया नाग वास करेगा। कृष्ण भगवान ने कालिया नाग का दमन किया वृंदावन। कालिया नाग पाताल चला गया। चमत्कार क्या है कि जमुना जी का पानी आज भी काला है। सब लोग हाथ जोड़ो, बोलो कालिंद्री माता की। नीचे में जाओगे सब लोग, तीन बार जल का छीटा लगाना है, माता पिता गुरु का नाम लेना है। उसके बाद में यहाँ का दर्शन कराऊंगा, फिर महात्म बताऊंगा। वो सामने में ब्रह्मांड बिहारी का मंदिर है, वो कदम का पेड़ है। यहाँ भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई, यहाँ बंसी बजाई भगवान ने कृष्ण के कदम के पेड़ के ऊपर में, वो जगह है। सब लोग चप्पल जूता अपने एक साइड में छोड़ दो, एक कोने में चप्पल जूता छोड़ दो। पहले जमुना जी के जल का छीटा लगाया, सब लोग बोलो बंसी वाले की। चप्पल जूता छोड़ के सब लोग जल का छीटा लगा के आओ। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम रिंकू पंडित है। तो क्या बताया, ये ब्रह्मांड घाट, इसका नाम ब्रह्मांड घाट क्यों है? इसका नाम ब्रह्मांड घाट है, ये भगवान कृष्ण नंद बाबा की 9 लाख गाय चरा के आई। जी जी जी। तो गाय को जमुना जी का पानी पिलाया, गाय तो जमुना का पानी पी के वो सामने मथुरा में निकल गई। जी। ग्वाल बाल भगवान से विनती किया, कैसे दूध पिए, कैसे मक्खन खाए, हमारी सारी गाय मथुरा निकल गई। जी। तो भगवान ने कदम के पेड़ के ऊपर बैठकर बंसी बजाई है। जी। ये सामने कदम का पेड़ है। हाँ, ये कदम का पेड़ है।
ये काफी प्राचीन है। आंधी तूफान आता है, गिर जाता है, दोबारा से उगाता है। इसकी जड़ और भूमि ये काफी प्राचीनता है। ये पेड़ देख रहे हैं ना, चीर बांधी जाती है मनोकामना के लिए। ये कदम का पेड़ है, इसकी तीन परिक्रमा लगती है माता पिता गुरु के नाम से। यहाँ भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, मैया सुधा को तीन लोग 14 भवन 4 भुजा पूरा विश्व ब्रह्मांड दर्शन कराया। सुन जसोदा माई तेरे लाला ने माटी खाई, यहाँ माटी का प्रसाद मिलता है। ब्रह्मांड भैरी का दर्शन करो, जमुना जी के जल का छीटा लगाओ, कदम के पेड़ की परिक्रमा करो जी, जी, तो पूरा ब्रज 84 को यात्रा का फल मिलता है। उसके लिए संचार यहाँ आता है। बोलो राधा रानी की जय। देखिए अब आप यमुना का यह रूप, काले रंग का पानी, कालेंद्री भी इसको यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि इसको एक श्राप था कि कालिया नाग यहाँ पर रहते थे और वो लीलाएँ जो है क्रीड़ाएँ करता था, इस कारण से इसका रंग जो है काला। तो इसको भी एक प्रकार से वरदान ही मिल गया कि इसमें जो है अर्चना करते हुए पूजा करते हुए सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और जैसे गाइड ने बताया यहाँ पर यह है कदम का वृक्ष, जिस पर भगवान श्री कृष्ण जी यमुना किनारे बैठ के बंसी बजाया करते थे। इस पर भी धागे वगैरह बांध कर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, लोग स्नान ध्यान करते हैं। मछलियाँ भी हैं इसमें और उनको आटे के वगैरह जो भी है खाने की सामग्री श्रद्धालु जो है डालते हैं। नौकाएं भी हैं जो श्रद्धालुओं के लिए रखी गई हैं, ताकि इसमें घूम फिर कर वो यमुना के नदी में विहार कर सके। हमारे श्रद्धालुओं का टोला इसमें पूजा अर्चना करते हुए कालेंद्री माता का ध्यान कर रहा है। यमुना के स्वरूप को कालेंद्री माता कहा जाता है। आइए अब कदम का वृक्ष, जिस पर कहा जाता है कि यमुना किनारे ये लगा हुआ है और इस पर बांसुरी बजाया करते थे, ये है वो कदम का वृक्ष। अब देखिए ऊपरी क्षेत्र से यमुना जी का एक विहंगम दृश्य है, जहाँ पर यमुना के स्वरूप को कालेंद्री माँ कालेंद्री देवी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना का रंग के यमुना के जल का रंग जो है काला है। गाइड्स वगैरह श्रद्धालुओं को कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में जानकारी देते हैं, इस स्थान की महत्वता ऐतिहासिकता के बारे में वो जानकारी देते हैं, ऐसी ये गाइड जानकारी दे रहे हैं। कदम का वृक्ष आप दूर से देख सकते हैं, कहते हैं कि आंधी तूफान में टूट जाता है, फिर उसी स्वरूप में वापस वो आ जाता है। टूट कर द्वारे से बहुत तेज़ी से वृक्ष अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। हाँ जी महाराज जी, बताइए जरा इसके बारे में एक बार। बोलो यमुना मैया की जय। सामने जो जंगल है, इस जंगल का नाम है मूजवन। यहाँ भगवान का गाय चरता था, गाय चराते समय भगवान कदम का पेड़ पे बैठ के बंसी बजाए। ये सामने कदम जी, का पेड़, ये कदम का पेड़ है जी। यही भगवान ने माटी खा करके मैया यशोदा को विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया है जी। सामने में ब्रह्मांड बिहारी का दर्शन है जी जी जी। वहाँ मिट्टी खा करके मैया को विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हुआ है जी जी जी। वही मिट्टी का प्रसाद मिलता है, वो घर पे जाता है, घर में थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटा जाता है। ये ब्रह्मांड बिहारी कदम पे बैठ के यहाँ बंसी बजाए जी। मन कामना के लिए वस्त्र दान होता है, जो भी कामना होता है यमुना मैया पूरा करती हैं। बोलो यमुना मैया की जय। ये वस्त्र बाद में चढ़ाते हैं जो आपके पास रखे? ये पहले बांधा जाता है, फिर आकर के कोई सा भी धागा खोल जाती है जी। और जैसा ठाकुर जी बनाया है वैसा सेवा करती है जी। विश्वासम फलदायकम, यमुना जी की कृपा से सब पूरा होता है। राधे राधे, जय श्री राम, जय हो। यमुना मैया बार बार बुलाती रहे।